हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रिजवान, आप देख रहे हैं रिजूटेक। समय आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो मैं वीडियो बताया हूँ पहले, अगर आपको वैसा वीडियो एडिटिंग करना है हैप्पी न्यू ईयर का, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए देखिए, ताकि आपको ईजी से समझ में आए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू बी गेट नोटिफाइड ऑन एवरी अपडेट फ्रॉम रिजूटेक। सो मेरा कल का वीडियो था, आप अपने यूट्यूब वीडियो पर रैंकिंग और वायरल टैग्स कैसे डालें। जो भी उस वीडियो को अब तक नहीं देखे, मैं आई बटन में दे दूंगा, वहां से जाकर जल्दी से देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आप वो टैग्स यूज करें तो आपका वीडियो 100% वायरल होगा और रैंकिंग होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गोइंग टू स्टार्ट। अपने मोबाइल स्क्रीन पर लिख जाके मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। चलो, तो पहले हमें काइनमास्टर मोड एपीके ओपन करना है। अगर आपके पास काइनमास्टर मोड एपीके डाउनलोड नहीं है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो पहले हमें प्लस के सिंबल पर क्लिक करना है। सो यहां पर बहुत सारे रेशो दिखा रहा है, सो हमें 16:9 रेशो पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद हमें एक बैकग्राउंड लेना है, मैं यहाँ ले लेता हूँ। अगर आपको ये बैकग्राउंड डाउनलोड करना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं जो जो भी मटेरियल्स यहाँ पर इस वीडियो में यूज़ कर रहा हूँ, सारे आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो जो यहाँ पर हमें 0.5 सेकंड्स पे रुकना है। रुकने के बाद हमें यहाँ पर जो लेयर का ऑप्शन दिखा रहा है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद हमें मीडिया पर क्लिक करना है। मीडिया पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर हमें ये बिल्डिंग का फोटो लेना है। बिल्डिंग का फोटो लेने के बाद हमें यहाँ पर पूरा बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद हमें ये वीडियो को पूरा एंड तक बढ़ा लेना है। वीडियो को एंड तक बढ़ाने के बाद ये वीडियो पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो इन एनिमेशन ऑप्शन दिखा रहा है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ ऑप्शन ले यहाँ पर चूज करना है कि जो यहाँ दिखा है वाइप राइट, उस पर क्लिक करना है। मैं ये चूज़ करता हूँ, आप भी यही चूज़ करिए। उसके बाद में राइट पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद में ये जो बिल्डिंग का फोटो स्टार्ट हो रहा है वहीं वेट करना है। वेट करने के बाद हमें यहाँ पर जो लेयर का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद हमें फिर से मीडिया पर क्लिक करना है। मीडिया पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर जो टाइल्स का ये फोटो है वो ले लेना है। तो ये भी पूरे वीडियो के एंड तक बढ़ा लेना है। वीडियो के एंड तक बढ़ाने के बाद इसका भी जो इन एनिमेशन है, इन एनिमेशन पर क्लिक करना है। इसका भी सेम वाइप राइट पर सेलेक्ट कर लेना है। सो यहाँ पर डन पर क्लिक करते सो हमें ये जो ऊपर का स्काई दिख रहा है उसको कट करना है। तो हमें यहाँ पर जो क्रॉपिंग का ऑप्शन दिखा रहा है क्रॉपिंग पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर जो मास्क का ऑप्शन दिखा रहा है उसे एनेबल करना है। उसे एनेबल करने के बाद यहाँ पर जो फेदर का दिखा रहा है 0, उसको पूरा 50 कर देना है। करने के बाद हमें यहाँ पर डन पर क्लिक करना है। डन पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर इसको पूरा बढ़ा लेना है। सो देखिए बढ़ा लिया। उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा आगे जाने के बाद हमें यहाँ पर लेयर पर क्लिक करना है। लेयर पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर मीडिया पर क्लिक करना है। मीडिया पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ जो ये एरोप्लेन का फोटो है वो ले लेना है। हमें यहाँ पर पूरा वीडियो के एंड तक बढ़ा लेना है। वीडियो के एंड तक बढ़ाने के बाद हमें इसका जो इन एनिमेशन है वो सेकेंड वाले पे लगाना है, फेड। उसके बाद में डन पर क्लिक करना है। डन पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर पहले स्मॉल लग देना है। सो देखिए हमारे सेट कर लिया। सो जो हमें यहाँ पर एंड में लास्ट में जाना है, थोड़ा वहां पर वेट करने के बाद यहाँ पर जो की का ऑप्शन दिखा रहा है लेफ्ट साइड में, डिलीट वाले बटन के ऊपर की का ऑप्शन दिखा रहा है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर 0 और प्लस का सिंबल दिखा रहा है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर इसको यहाँ पर बढ़ा लेना है। बढ़ाने के बाद यहाँ पर राइट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर लेयर पर क्लिक करना है। लेयर पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर मीडिया पर क्लिक करना है। मीडिया पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर जो 2021 का फोटो है उस पर क्लिक करना है।
उस पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर ये वीडियो के एंड तक बढ़ा लेना है। वीडियो के एंड तक बढ़ाने के बाद हमें इसका जो इन एनिमेशन है वो हमें दूसरा सेलेक्ट करना है, वो है ड्रॉप। उसके बाद में राइट पर क्लिक करना है। इसके बाद में ये फोटो को हम थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पर, चलो फिर डन पर क्लिक करना है। जो ये 2021 का इमेज स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर स्टॉप करना है। स्टॉप करने के बाद हमें फिर से लेयर पर जाना है। लेयर पर जाने के बाद हमें मीडिया पर क्लिक करना है। मीडिया पर क्लिक करने के बाद हमारा जो फोटो PNG करे हैं हम पिक्सार्ट से, वो फोटो यहाँ पर लेना है। सो देखिए मैं यहाँ पर ले लिया हूँ फोटो। उसके बाद में ये फोटो को भी हम वीडियो के एंड तक लगा देना है। सो इसका भी जो इन एनिमेशन है वो भी हमें ड्रॉप लगा देना है सेम। उसके बाद में डन पर क्लिक करना है। डन पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर जो थोड़ा आगे ले लेना है। आगे लेने के बाद हमें फिर से लेयर पर क्लिक करना है। लेयर पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर मीडिया पर क्लिक करना है। मीडिया पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर हैप्पी न्यू ईयर का ग्रीन स्क्रीन लगाना है। तो ये ग्रीन स्क्रीन कैसे हटाना है, जो यहाँ पर क्रोमा की का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद हमें इसे एनेबल करना है। उसके बाद में राइट पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है ये कहाँ लगाना है। आप जहाँ बोले वहाँ लगा सकते। सो मैं बेस्ट यहाँ पर राइट साइड लगा लेता हूँ। उसके बाद में हमें ये वीडियो बहुत लंबा है तो हमें इसे कट करना है। तो यहाँ पर जो खींची का बटन है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद हमें जो सेकंड ऑप्शन दिखा रहा है ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड, उस पर क्लिक करना। उस पर क्लिक करते हैं हमें वीडियो कट हो जाता है। सो ये वीडियो पर क्लिक करना है। वीडियो पर क्लिक करने के बाद हमें जो यहाँ पर लेफ्ट साइड डिलीट के बटन के ऊपर जो की का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर जो जीरो और प्लस का सिंबल दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। फिर थोड़ा आगे बढ़ा लेना है, फिर उस पर क्लिक करना है थोड़ा आगे, फिर प्लस पर क्लिक करना है, फिर थोड़ा आगे बढ़ा लेना है प्लस पे। ऐसा कहकर आप पूरा वीडियो तक कर लीजिए। चलो उसके बाद में यहाँ पर हमें यहाँ पर लाइट्स लगाना है, स्पॉट लाइट्स। सो देखिए यहाँ पर लगाता हूँ। जो ये 2021 का और प्लेन का हम जो लगा है वहाँ पर हमें यहाँ लेयर पर क्लिक करना है। लेयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो ओवरले का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद हमें जो अगर आपको ये इफेक्ट डाउनलोड करना है यहाँ पर गेट मोर पर जाकर आप इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सो हमें यहाँ पर जो सेकंड वाला दिख रहा है स्पॉटलाइट वन उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद हमें जो लास्ट का दिखा रहा है पिंक कलर के लाइट्स का उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमें डन पर क्लिक करना है। हमें ये भी वीडियो के एंड तक बढ़ा लेना है। वीडियो के एंड तक बढ़ा लेना है। उसके बाद में इसका जो एनिमेशन दिख रहा है इन एनिमेशन फर्स्ट वाला उस पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर सेकंड पर क्लिक करना है फेड। फिर हमें डन पर क्लिक करना है। सो इसको एडजस्ट कर लेंगे हम, थोड़ा इसको बढ़ा लेंगे। देखिए थोड़ा इसको बढ़ा लेंगे। सो देखिए हमारा पूरा वीडियो बन चुका है। मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको। हेलो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि मेरा नेक्स्ट वाला वीडियो किस टॉपिक पर आना। इस वीडियो बनाते टाइम मैं जो भी मटेरियल्स यूज कर रहा हूँ मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड ऑन एवरी अपडेट फ्रॉम रिसूटेक।